लेकिन कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ पोको का X5 5G और दूसरी तरफ मोटो का G73 5G, इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो पोको के X5 5G को 17,999 रुपए के प्राइस में 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G73 5G को 16,999 रुपए के प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि 1000 रुपीस ज्यादा खर्च करके पोको के X5 5G को लेना सही रहेगा या फिर 1000 रुपीस कम खर्च करके मोटो के G73 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू कर। दोनों स्मार्टफोन के अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पोको के X5 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G73 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 930 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को मोटो के G73 5G में काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतुतु स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का G73 5G, क्योंकि मोटो के G73 5G का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है 418,000 के आसपास का निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ पोको के X5 का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है 4,01,000 के आसपास का निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो पोको के X5 5G को जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2,600 के आसपास का निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G73 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3,500 के आसपास का निकल के आता। तो एक बात तो क्लियर हो गई, मोटो के G73 5G का प्राइस 1000 रुपीस कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो पोको के X5 5G से काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में मोटो का G73 5G पोको के X5 से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है, उसी तरह पोको का X5 खासकर डिस्प्ले के मामले में मोटो के G73 5G से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। क्योंकि मोटो के G73 में आप लोगों को 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोको के X5 5G में 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को पोको के X5 5G में काफी बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो मेगापिक्सल में तो इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर कैमरे के मामले में तो मोटो का G73 5G पोको के X5 से थोड़ा सा बेटर हो जाता है। पोको के X5 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 48 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G73 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, जो कि कैमरा वाइज अगर देखा जाए तो आप लोगों को मोटो के G73 5G रियल लाइफ में जो पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। वहीं इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में तो क्लियर विनर निकल आता है मोटो का G73 5G, क्योंकि मोटो के G73 5G में आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोको के X5 5G में सिर्फ 13 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर अगर देखा जाए, अगर आप लोग इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर कैमरे के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मोटो के G73 5G को ही बाय करें। स्मार्टफोन का अगर आगे फीचर की बात करी जाए तो मोटो के G73 5G के प्राइस 1000 रुपीस कम है, फिर भी आप लोगों को डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोको के X5 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता। वहीं इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो पोको के X5 5G में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ। USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G73 5G में भी 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 30 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ।
यूएसबी टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो मोटो के G73 5G में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के X5 5G में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। मोटो के G73 5G के प्राइस 1000 रुपीज कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो पोको के X5 से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के X5 में काफी बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि मोटो के G73 5G में देखने को नहीं मिलती। वही दूसरी तरफ मोटो के G73 5G में फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि पोको के X5 5G में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग भी एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को मोटो के G73 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग को एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप लोगों को पोको के X5 5G की तरफ जाना चाहिए। तो पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 1000 रुपीज कम खर्च करके मोटो के G73 5G को ही बाय करें।